नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवि ETC यानी घर की वायरिंग हाउस वायरिंग। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का वीडियो है हमारा, आज की वीडियो में सीखेंगे दो स्विच और दो टू पिन सॉकेट का कनेक्शन। तो इसी टॉपिक पर वीडियो है हमारा। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके और पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आ गए हम अपने वीडियो पर और आज की वीडियो में हम सीखेंगे दो स्विच और दो टू पिन सॉकेट का कनेक्शन। तो इसे कैसे करना है तो इसी पे वीडियो है हमारा। तो चलिए इसका कनेक्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम खोल लेते हैं और इसे इस तरह से पलट लेते हैं और पलटी करने के बाद में अब इसका हम कनेक्शन करते हैं। तो देखिए, हम इस स्विच से इस सॉकेट का कनेक्शन करेंगे और इस स्विच से इस सॉकेट का कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक वायर लेनी होगी और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें का जो है नीचे वाला पॉइंट, इसे हम शॉर्ट कराते हैं स्विच का, स्विच का नीचे वाला पॉइंट। और ये हमारा स्विच का नीचे वाला पॉइंट, इस पर दोनों पे हमें डायरेक्ट फेस देना होता है। तो चलिए इसको टाइट कर देते हैं। अब डायरेक्ट हमें फेस देना है इस पर, तो क्या करेंगे कि हम इसको डायरेक्ट अब यहाँ टाइट नहीं करेंगे तो यहाँ पे हम एक वायर ले लेंगे जो हमें बाहर से फेस देनी है। तो इसको हम यहाँ पर जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद में इसे हम यहाँ पे लगा के अब इसे हम टाइट कर देंगे। तो दोनों स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे हमारा फेस का कनेक्शन हो गया। अब ये हमारा जो है वायर, ये हमारा बाहर चला जाएगा, इसमें हमें मेन सप्लाई देनी है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से यानी कि स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से 5 पिन का एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट मिला देंगे। तो चलिए 5 पिन का, सॉरी 2 पिन सॉकेट का एक पॉइंट मिला देंगे। तो चलिए 2 पिन का एक पॉइंट हम मिला देते हैं स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से, ठीक है। तो ये 2 पिन सॉकेट है तो यहाँ से हम टाइट किया स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से और 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले पॉइंट को हम मिला दिए। तो यहाँ से ये हमारी सप्लाई कट के आएगी, ठीक है। तो इसी तरह से अगला कनेक्शन भी हमें इसी तरह से करना है। तो दोस्तों हम ये वायर यूज कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए और सिखाने के लिए। अगर आपको कनेक्शन करना है तो 1 mm या 1.5 mm के वायर से आप कनेक्शन करिएगा। तो दूसरे में भी स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से लेंगे इस तरह से और 2 पिन सॉकेट का नीचे वाला पॉइंट हम मिला देंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं, तो इस तरह से मिला देना है। तो ये हमारा फेस का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं फेस का कनेक्शन हमारा कंप्लीट है। ये डायरेक्ट फेस आएगा यहाँ से और स्विच से कट के इस 2 पिन सॉकेट को जाएगा और यही डायरेक्ट फेस इस स्विच पे भी आ रहा है और यहाँ से कट के 2 पिन सॉकेट पे आएगा। तो अब हमें देना है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल के लिए हमें दो सॉकेट है तो दोनों सॉकेट पे हमें न्यूट्रल देना है। तो एक को तो पहले हमें यहाँ से मिलाना पड़ेगा, चाहे यहाँ से यहाँ मिलाए चाहे यहाँ से यहाँ मिलाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मिला देते हैं। तो एक वायर लेते हैं और इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ कनेक्शन कर लेते हैं 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट पे और इसको दूसरे वाले 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट से मिलाना है ताकि न्यूट्रल हमारे दोनों सॉकेट पे जाए। तो इसको अब क्या करेंगे कि छीलेंगे और यहीं से हमें डायरेक्ट न्यूट्रल भी देना है जो हमारा मेन पावर से आएगा। तो यहाँ पे एक वायर हम जोड़ लेते हैं न्यूट्रल के लिए। तो ये देख सकते हैं न्यूट्रल का वायर है।
और इसको हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो अब ये क्या होगा कि अब यहाँ इस सॉकेट को भी न्यूट्रल मिल जाएगा इससे, और दूसरे वाले सॉकेट को भी न्यूट्रल यहीं से मिल जाएगा, और ये हमारा बाहर को निकल जाएगा। इसमें हमें मेन पावर सप्लाई देनी है इसमें, इस वायर में। तो दोस्तों अब ये हमारा जो कनेक्शन है ये कंप्लीट हो गया। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अब चलते हैं इसको बंद करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे ये वायर को बोर्ड के बाहर निकालेंगे। तो चलिए बोर्ड के बाहर निकाल लेते हैं वायर को, और बोर्ड को बंद कर लेते हैं। तो चलिए इस तरह से हमारा बंद हो गया, और अब हम इसमें देते हैं मेन पावर सप्लाई। तो मेन पावर सप्लाई का वायर हम जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम इसमें मेन पावर सप्लाई जोड़ेंगे, और इसे जोड़ने के बाद में इसे टेप भी कर देंगे क्योंकि बिजली का वर्क है। तो चलिए इसे हम टेप कर देते हैं। तो दोस्तों ये पेपर वाला टेप है, तो ये हमें सिर्फ आपको दिखाना है और सिखाना है, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। आप यूज़ करिएगा तो आप बिजली टेप यूज कीजिएगा, पीवीसी टेप। तो चलिए हमारा ये टेप कंप्लीट हो गया, टेपिंग कर लिए। अब इसमें हम देंगे पावर सप्लाई। तो स्विच को बंद कर देते हैं और पावर सप्लाई इसका ऑन करते हैं, और अब हम आपको चेक करके भी दिखा देते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिखे। तो ये हमारे पास बल्ब है, और इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं ये प्रॉपर काम कर रहा है, और फिर दूसरा हम स्विच चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा दूसरा वाला भी काम कर रहा है, यानी कि कनेक्शन हमारा सही है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करके और पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।